पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था मतलब कि प्रोजेक्टाइल मोशन और उसके पर जो बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स थे जिसकी जिसमें कि इंक्लाइन प्लेन पर बेस्ड जो तुम्हारा क्वेश्चन एक था ऐसे वहाँ बुक में एग्जांपल में दिया हुआ उसको डील किए, फिर और भी कुछ प्रोजेक्टाइल पर क्वेश्चन बताए गए थे। आज हम लोग एक नया टॉपिक है जिसका कि मोशन इन प्लेन में ही हम लोग देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। तो आज का क्लास में देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, जिसका जिक्र पिछले क्लास में भी की थी कि आज रिलेटिव वेलोसिटी देखेंगे टू डायमेंशन में। तो रिलेटिव वेलोसिटी, तो कोई भी चीज़, कोई पार्टिकल है तो उसको हम लोग किसी चीज़ के पोजीशन को हम लोग कहाँ से डिनोट करते हैं, एक ओरिजिन लेते हैं। अगर कोई पॉइंट ए यहाँ सिचुएटेड है तो इसको यहाँ से डिनोट कर देते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर ओ ए हो गया, इसका पोजीशन को दिखाने के लिए ये हो गया। तुम्हें बी पॉइंट यहाँ है तो ये इसका पोजीशन हो गया बी का, ये तुम्हारा ओ बी वेक्टर जो है इसका पोजीशन वेक्टर कहलाता है। और इन दोनों को ए से बी जो कि ज्वाइन कर दिए और एरो इधर दे दिए तो इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, रिलेटिव पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ए बी वेक्टर ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, पोजीशन बता रहा है मतलब कि वेक्टर के रूप में पोजीशन बताने का एक तरीका है। ओ बी वेक्टर इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी ऐसा कह सकते हैं आप। और ए बी जो तुम्हारा हुआ इस ट्रायंगल से हम लोग क्या दे सकते हैं, ए बी वेक्टर को हम लोग क्या कह सकते हैं, ए बी वेक्टर बी बी के तरफ एरो है, देखो इसमें एरो का डायरेक्शन बी के तरफ होता है तो बी को देख रहे हैं ए से ऐसा कह सकते हैं, बी को देख वाच किया जा रहा है इधर की ओर कोई इंडिकेट कर रहा है तो इसका मतलब वो आदमी क्या देख रहा है, बी को देख रहा है ए से, तो इसको कहेंगे रिलेटिव पोजीशन ऑफ, रिलेटिव पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, विथ रेस्पेक्ट टू ए ऐसा कह सकते हैं आप। तो यहाँ जो फिगर में भी देख रहे हैं इस डायग्राम में एक बात तो क्लियर है, ओ ए प्लस ए बी इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर ऐसा लिख सकते हैं आप। तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हें, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो ए बी वेक्टर क्या होगा तुम्हें, बी का पोजीशन माइनस ए का पोजीशन, ए बी वेक्टर हो गया तुम्हारा। सिमिलरली सिमिलरली बी ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। तो उसमें डायग्राम जो तुमको क्या हो जाएगा, इसका इधर से डायग्राम देंगे तो ओ बी प्लस बी ए इक्वल टू ओ ए लिखना पड़ेगा इसमें, तो इस ढंग से क्या हो जाएगा इसका पोजीशन हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां पर तुमको ये पोजीशन हो गया। अब जहां तक कि रिलेटिव वेलोसिटी की बात है तो पोजीशन के बाद हम लोग आते हैं वेलोसिटी का, तो भी के पोजीशन जैसे कि इसको अगर हम लोग लिखना चाहें रिलेटिव पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो इसको हम लोग कहते हैं सिंबल हो गया रिलेटिव पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए आर बी ए। तो आर बी ए इज इक्वल टू क्या होगा तुमको, रिलेटिव पोजिशन ऑफ बी इक्वल्स टू रेस्पेक्ट टू ए, मतलब कि ऑरिजिन से बी का पोजिशन वेक्टर हो गया माइनस ए का पोजिशन वेक्टर को माइनस कर दीजिए, आप ऐसा कह सकते हैं। ये पोजिशन वेक्टर ऑफ बी हो गया और माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, मतलब आर बी ए मतलब कि बी को इसमें इस सिंबल का मतलब है रिलेटिव पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ऐसा भी आप पोजीशन दे सकते हैं। तो अब ये पोजीशन वेक्टर है तुम्हारा, ये पोजीशन आर बी हो गया बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का वेक्टर, और इसमें इस सिंबल में हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं जो यहाँ लिखा हुआ है। अब अगर वेलोसिटी को हम लोग बात करते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफ्रेंशिएटिंग
with respect to time. टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करें. डी आर ए डी आर बी ए कह रहे हैं तो चलो तो ठीक है. डी आर बी ए बाय डी टी इक्वल्स टू क्या जाता है, डी आर बी वेक्टर बाय डी टी माइनस डी आर ए वेक्टर बाय डी टी. ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, दैट्स इक्वल्स टू वी वेलोसिटी माइनस ए वेलोसिटी. तो ये तुम्हारा जो सिंबल में बन गया वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, ये वी बी ए क्या बन गया, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू With respect to A, वेलोसिटी ऑफ बी में, तो इसमें क्या किया गया, बी में ए को माइनस कर दिया गया. तो अगर इसको ट्रेंगल वेलोसिटी का जो ट्रेंगल बनाए, ट्रेंगल फॉर वेलोसिटी अगर हम लोग फॉर्मेशन करें, तो अगर तुमको ये ए का वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी तुमको अगर ये बी का दिखाया जा रहा है, तो ये तुमको क्या बताएगा, ये जो तुम्हारा हो गया इसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ ए कहें और ये वेलोसिटी ऑफ बी कहें, तो ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए हो गया इस ट्रेंगल में, बी को देखा जा रहा है ए से, ऐसा कर सकते हैं आप. ये जो तुम्हारा बताएगा इसमें वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, बी को यहां से वॉच कर रहे हैं ए के रेस्पेक्ट में, जिसको वेलोसिटी का ट्रेंगल बना सकते हैं. अगर इसी को हम लोग कहें वी ए बी कहें, तो एरो डायग्राम आपका क्या हो जाएगा, पलट जाएगा. अगर वी ए बी जैसे है तुम्हारा, अगर वी बी ए कहें तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो इसमें क्या हो जाएगा सिंबल तुम्हारा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए है, तो तुमको ये डायग्राम का ये रो इधर पलट जाएगा, तुमको ये हो जाएगा वी ए, ये हो जाएगा वी बी और ये हो जाएगा वी ए बी वेक्टर. तो इस ढंग से क्या होगा, चिन्ह पलट जाएगा. तो अब जैसे कि इसको सब्सट्रैक्ट करना दो वेलोसिटी वेक्टर को, तो सब्सट्रैक्शन ऑफ को वेक्टर के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो रूल है हमारा वेक्टर सब्सट्रैक्शन का, जैसे कि वी बी ए निकालना है अगर तुमको, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का रूल होता है वी बी ए इज इक्वल टू, हमने क्या सीखा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए सेम रेफरेंस के रेस्पेक्ट में. जैसे अर्थ से आप देख रहे हैं सामान्यतः, तो अर्थ के रेस्पेक्ट में सेम रेफरेंस हो सकता है. अगर आप ट्रेन पर से देख रहे हैं दो आदमी को, तो दो पर्सन को अगर ट्रेन में है, तो दोनों ट्रेन में अगर कोई तीसरा आदमी है वो बी को भी देख रहा है, तो सेम बात है. मतलब आपका दोनों को सेम रेफरेंस से घटाना है, सिंपली जो रेफरेंस हमारा अर्थ लिया जाता है यहां पर. लेकिन ये कोई भी रेफरेंस हो सकता है, जहां पर कि तीसरा व्यक्ति हो सी, कोई भी हो सकता है, वो अपना देख रहा हो. मतलब ये मेरे कहने का सेंस है वी ए बी बराबर वी ए सी माइनस वी बी सी, कोई भी सी हो सकता है, ये अर्थ भी हो सकता है ये सी, सी इज रिफरेंस, सी इज रिफरेंस फ्रेम, ये तुमको कोई भी देखने वाला हो सकता है, सी इज रिफरेंस फ्रेम. सी के रेस्पेक्ट में उसको मैंने ए को बी को, ए को देखिए फिर सी के रेस्पेक्ट में बी को देखिए, तो ये वेलोसिटी ऑफ उसके रेस्पेक्ट में निकल जाए, ये रिफरेंस अर्थ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ये ओरिजिन. तो इस ढंग से क्या कर सकते हैं हम लोग, निकाल सकते हैं. और जहां तक कि वेक्टर के रूल के मुताबिक है, तुमको कोई भी अगर तुमको वेक्टर के, इसको नोट डाउन कर सकते हो, इसको मिटा रहे हैं, तुम कोई भी जो प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह में है या किसी भी क्वेश्चन में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को, इसके नोट्स भी मिल जाएंगे तुमको रेस्टिकल ऐप पर, और नहीं तो किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो रही हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, तुम कभी भी राइटल ऐप के माध्यम से हमसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हो, उसमें जहां भी दिक्कत है किसी क्वेश्चन में तुम हमसे हेल्प ले सकते हो. तो उसके लिए तुमको राइटल ऐप पर तुमको मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल सारा मिल जाएगा. कहीं भी मैसेज करोगे या फ़ोन करोगे तो तुम उसको एडिट मतलब दिया जाएगा, जो भी किसी भी बुक से पूछना हो, एस सी वर्मा हो, एन सी आर टी बुक से बना रहे हो, या किसी भी पैकेजेस वगैरह से बना रहे हो, या तुम्हें मटेरियल्स चाहिए, तो उसके लिए भी तुम राइटल ऐप का यूज कर सकते हो. वहाँ भी तुमको जे ई मेल, जे एडवांस, इन सब के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे तुम्हें, उस पर प्रैक्टिस के लिए भी प्रॉब्लम है. तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, उसमें सॉल्व कर सकते हैं, और जहाँ भी जरूरत है संपर्क करो. तो अब हम लोग बात कर रहे थे तो रिलेटिव वेलोसिटी का. तो रिलेटिव वेलोसिटी में हम लोग देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं.
तो ये है तुमको, जैसे एक क्वेश्चन है कि एक पर्सन जा रहा है मान लेते हैं नॉर्थ के साइड, तो नॉर्थ तो आप ऊपर देते हैं विद 50 किलोमीटर आवर, और दूसरा पर्सन जा रहा है ईस्ट की तरफ 50 किलोमीटर आवर से। तो क्वेश्चन लिख देते हैं पहले, ध्यान देखो, ए पर्सन ए मूव्स विद वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर टुवार्ड्स नॉर्थ एंड बी मूव्स विद सेम स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन। कैलकुलेट दी वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन फ्रॉम ए। तो ये इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए, ये निकालना है तुम्हें वेलोसिटी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए। तो इसको पहले फिगर बनाते हैं, देखो कैसे वेक्टर के हेल्प से सॉल्व करते हैं हम लोग। तो पहले जो है नॉर्थ इधर की ओर हम लोग लेते हैं ऊपर, मैंने नॉर्थ को इधर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट दिखाते हैं हम लोग, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये तुम्हारा जो कॉमन है उसी आधार पर दिखाते हैं। तो कोई पर्सन जा रहा है ए नॉर्थ के साइड 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो इसको ले लेते हैं हम लोग 50 किलोमीटर पर आवर, इतना बड़ा दे दिए, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ए, दैट्स इक्वल्स टू 50 किलोमीटर पर आवर। दूसरा जो आदमी है वो आ रहा है बी ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो इसको इसी सेम लेंथ के आधार पर बनाएंगे आप 50 किलोमीटर पर आवर, ये वी बी हो गया, ये ईस्ट की तरफ जा रहा है। अब हमको निकालना है, फाइंड दी वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन फ्रॉम बी फाइंड दी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ये बी है तुम्हारा, बी के रिस्पेक्ट में ए का स्पीड निकालना है। तो वी ए बी जो तुम्हारा होगा, वी ए बी इक्वल्स टू होता है वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर, और इट्स कैन बी रिटेन एज वी ए वेक्टर प्लस माइनस वी बी वेक्टर। मतलब क्या हुआ कि वी बी को अपोजिट करके उसको ऐड करना है, तो यहां पर देखो वी ए प्लस मैंने माइनस करना है इसको, तो दिस इज इक्वल टू, इसको इट इज इक्विवेलेंट टू, मतलब वी ए इधर हो गया दैट इज वी ए, और ये तुमको माइनस वी बी हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, इसको एरो को पलट दीजिए, ये माइनस वी बी वेक्टर, दोनों को ऐड करना है, दोनों 50 किलोमीटर पर आवर ही है तुम्हारा, ये भी 50 किलोमीटर आवर का रहेगा और ये भी 50, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये जाहिर है कि तुमको कौन सा लगेगा, तुमको ये तो दोनों का जब टेल मैच करता है, जो कि वेक्टर एडिशन का वीडियो देखा होगा राइट टोटल ऐप पर, तो उसमें तुमको बताया गया, उसमें सीखा होगा, तो तुमको इस ढंग से क्या कर सकते हैं इसको, जो कि यहाँ रेक्टेंगल बन जाएगा, इनफैक्ट ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है, ये पैरेललोग्राम तुम्हारा बनता है, जो कि यहाँ पर रेक्टेंगल 90 डिग्री होने के कारण हो गया। तो ये जो तुमको बता रहा है ये तुमको क्या हो गया वेलोसिटी ऑफ, ये तुम्हारा भी, तो ये तुम्हारा एडिशन हो गया वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। तो ये क्या दिख रहा है वेलोसिटी ऑफ ए, मतलब कि विद रेस्पेक्ट टू बी वी ए प्लस माइनस वी बी, और वी ए ऊपर की ओर जा रहा है, सॉरी ये तुम्हारा डायग्राम, ये तो वी ए तो इधर की तरफ, तो एक का हेड मिल रहा है ये ऊपर है और एक माइनस वी बी है तुम्हारा, तो ये जो तुमको दोनों का एडिशन इधर से जाएगा, ये गलत तुम्हारा ये डायग्राम तो ठीक है, बट इसका जो रिजल्टेंट होगा तुम्हारा, इसको गलत शो किया गया था, और तो रिजल्टेंट तुम्हारा ये दोनों का रिजल्टेंट यहाँ से जाएगा इधर की ओर जाएगा, ऐसे होगा, तो ये तुम्हारा रिजल्टेंट हुआ, तो ये इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो ये तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर ये हुआ, ये क्या हो गया वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ये तुम्हारा दोनों का सम हो गया वी ए प्लस माइनस वी बी। तो ये जो तुम्हारा है मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये तुमको है 50 किलोमीटर पर आवर, ये भी तुमको
50 किलोमीटर पर आवर। तो इस ट्रेंगल से अगर ये साइड हम लोग निकालना चाहेंगे जो कि भी ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये ट्रेंगल से क्या हो जाएगा हमको, इस ट्रेंगल से मॉडुलस ऑफ भी ए बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, रूट अंडर 50 का होल, 50 किलोमीटर पर आवर का होल स्क्वायर प्लस 50 किलोमीटर पर आवर का होल स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू क्या हो गया 50 किलोमीटर पर आवर का होल स्क्वायर, तो ये तो बाहर ही आ गया रूट अंडर 1+1, तो रूट टू 50 किलोमीटर पर आवर इंटू रूट टू दैट्स इक्वल टू 70.7 किलोमीटर पर आवर। ये तुम्हारा हो गया इधर की ओर। और डायरेक्शन की जहां तक बात है, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन होगा तुम्हें, ये एंगल कितना बना रहा है तुम्हें, ये 45 डिग्री एंगल बनाएगा। ये तुमको देखो, ये जो एंगल है ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, तो ये 45 डिग्री ही लग रहा है। जैसे निकाल देते हैं इसको ट्रेंगल में, इसको अल्फा मान लो, तो 10 α इक्वल टू क्या होगा तुम्हें 50/50, तो अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री। और किस डायरेक्शन में, तो साउथ, इसको कह सकते हैं ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, अलोंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, अलोंग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट, तो 70 किलोमीटर पर आवर टुवार्ड्स नॉर्थ ईस्ट। वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू 70.7 किलोमीटर पर आवर टुवार्ड्स नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट 45 है तो उसको नॉर्थ वेस्ट भी कह सकते हैं आप, और नहीं तो दूसरा एंगल रहता तो उसको दिस, मतलब उसके आधार पर दिखा जाता है, तो ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ इसको दिखाई पड़ेगा। अगर इसी क्वेश्चन में रहता, कैलकुलेट इसका सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट करें, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो अब की बार कह रहा है इसी क्वेश्चन में कि चाहिए फिर से एक बार देखो, जैसे फिर से इसको रिपीट करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ हमको चाहिए था ए विद रेस्पेक्ट टू बी। अभी तो क्या किया कि ए मतलब भी ए प्लस भी बी के बाद क्या किया गया, यहां भी ए प्लस भी बी, ये इधर जा रहा है इधर जा रहा है, तो इसमें माइनस भी बी को ऐड करना पड़ेगा यहां पर वेक्टर के आधार पर। तो इसके आधार पर क्या होगा, तो ये तुमको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से होगा, क्योंकि दोनों का टेल मैच करेगा, पैरेललोग्राम लॉ से होगा। और यहां पर निकालना वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इसी डायग्राम में बनाते हैं, मैंने अलग से उसी क्वेश्चन में से भी ए माइनस भी बी, तो दैट्स इक्वल टू क्या होगा, देखो कैसे वेक्टर में इसको ऐड करेंगे उसको देखते हैं, भी ए वेक्टर प्लस माइनस भी बी वेक्टर। तो बी तुम्हारा तो इधर है, देखो यहां पर फिगर, ये तुम्हारा इस साइड है, ये भी बी तुम्हारा इस साइड से आ रहा है, ये भी बी है तुम्हारा, तो इसमें क्या करना है, माइनस भी ए किधर जाएगा, माइनस भी ए तो डाउनवर्ड नीचे की ओर आता हो दिखेगा, और इसका होगा तो या तो तुमको इसी को नीचे कर दो डाउन, या तो दिस इंप्लाई दैट इक्विवेलेंट टू, तो ये तुम्हारा हो जाएगा यहां पर ले लो इसको, जैसे पैरेलल में किसी भी वेक्टर को आप इसको चाहे ऊपर कर दीजिए चाहे इसको नीचे कर दीजिए, तो कोई मतलब कि ये सब जो तुम्हारा है इस वेक्टर, ये फ्री वेक्टर है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि पैरेलल में कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो पैरेलल में आप यहां मूव करके इसको इधर ले लीजिए, यहां ले लीजिए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। डायरेक्शन की बात है, ये भी बी है और माइनस भी है, तो भी माइनस भी है ऊपर की अलोंग होगा, तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये दोनों का क्या हो जाएगा, ऐड किसको करना है, चलो देखो, चलो इसको अच्छा रहने दो, इसको भी बी हो गया और इसमें भी ए को जो है तुमको माइनस भी ए हो जाएगा, ये क्या हो गया माइनस भी ए वेक्टर। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो ये जाहिर है कि एक का हेड और दूसरे का क्या मैच कर रहा है, टेल मैच कर रहा है, एक का हेड और दूसरे का टेल मैच कर रहा है, तो ये है माइनस भी ए वेक्टर। तो हेड और टेल मैच कर रहा है तो इन दोनों को ऐड करना है, तो तुम क्या कर दो, ये इसे ट्रेंगल लॉ तुमको बन जाएगा, ट्रेंगल लॉ ऑफ एडिशन लागू हो जाएगा यहां पर, तो ये तुम्हारा क्या हो गया भी बी ए हो गया, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो ये तुम्हारा इधर हो गया भी बी और ये हो गया माइनस भी ए साउथ की तरफ, तो देखो ये तुम्हारा ये तो नॉर्थ, तो इसका डायरेक्शन भी बी का डायरेक्शन तो बदला ही नहीं गया, रुको इसमें तो ये गलत हो गया, इसको तुमने नॉर्थ की तरफ ही तो वो पॉइंट आउट हो रहा है ना, उसको भी माइनस भी ए, तो ये तो भी ए का डायरेक्शन है,
हमको जोड़ना है किसको, वी बी माइनस वी ए को, तो जाहिर है कि इसके डायरेक्शन क्या करना पड़ेगा, हमको रिवर्स करना पड़ेगा ना, तो वी बी का उसमें डायग्राम में डायरेक्शन को रिवर्स ही नहीं किया गया जोड़ने के लिए। तो देखो ये तुम्हारा वी बी है और इसमें क्या करना है तुमको वी ए, तो ये माइनस वी ए तुमको इस डायरेक्शन में होगा, ये यहाँ पर रॉन्ग था, माइनस वी ए। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसका देखो यहाँ पर टेल आ रहा है, इसका इसका हेड है, इसका भी हेड है, तो इसका जैसे कि तुम्हारा यहाँ पे आ रहा है हेड, इसका भी हेड आ रहा है, तो इसको तुमको ऐड करना चाहोगे तो यहाँ पर भी तुमको क्या कर सकते हो, इसको जैसे तुमको एक इसको ऐड करना है तो यहाँ पर से या तो ऐसे करके बना दो, तो यहाँ से लेकर के यहाँ से तुमको ऐसे करके आ सकता है, देखो जैसे कि ये तुम्हारा हो सकता है, ये इस जगह से स्टार्ट करो तो ये हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ से जैसे देखेंगे तो ये तुम्हारा वी बी इधर जाता हुआ दिख रहा है, वी ए इधर जाता हुआ दिख रहा है, तो ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया तुम्हारा, तो ये क्या हो गया तुमको वी बी ए वेक्टर, ये वी बी ए को दिखा रहा है, तो वी बी ए का मैग्नीट्यूड क्या लगता है तुमको, मॉडुलस वी बी ए इक्वल्स टू रूट अंडर 50 किलोमीटर पर आवर का होल स्क्वायर प्लस 50 किलोमीटर पर आवर, ये तो सेम कैलकुलेशन है, दैट इज 70.7 किलोमीटर पर आवर। और एंगल की जहाँ तक बात है तो एंगल देखो यहाँ पर से देखेंगे तो इस जगह से हम लोग क्या लग रहा है, ये तो एंगल तो 45 ही होगा, लेकिन ये डायरेक्शन क्या लग रहा है, साउथ लग रहा है और साथ साथ ये ईस्ट लग रहा है, तो एंगल तो 45 होगा और यहाँ से देखें तो क्या हो गया तुम्हारा, ये साउथ और किधर अगर ये नीचे और इधर ईस्ट, तो टुवार्ड्स क्या है, साउथ ईस्ट, टुवार्ड्स साउथ ईस्ट, टुवार्ड साउथ ईस्ट, तो ये जो तुम्हारा है देखो ये तुम्हारा यहाँ पर जो है, या दूसरा यहाँ पर जो जोड़ने के लिए तुम एक काम और कर सकता था, जैसे यहाँ था तुम्हारा, इसमें इसको जोड़ना, तुम इसको नीचे कर दो, ये ट्रेंगल लॉ से भी ऐड होगा तुम्हारा डायरेक्शन, देखो ये दिस प्लस माइनस भी है ऐसे होगा, तो ये तुम्हारा यहाँ भी बनाओगे ट्रेंगल लॉ से जोड़ना, तो उसको आगे बढ़ा दो, अगर इसको ट्रेंगल लॉ से जोड़ना था तो इसको आगे बढ़ा दो, तो भी ये देखो डायरेक्शन तुम्हारा क्या है, ये क्या है तुम्हारा यहाँ से दिखेगा तो ये तुम्हारा इधर की तरफ साउथ है, इधर की तरफ ईस्ट है, इधर ईस्ट है, इधर साउथ है, तो साउथ ईस्ट 45 डिग्री, जो कि मैग्नीट्यूड वगैरह तुम्हें पीछे बताया गया इसमें कि 45 डिग्री हो जाएगा, तो इस प्रकार से क्या हो गया ये तुम्हें कैलकुलेट हो जाएगा, तो ये तुम्हारा तुम्हारा एक क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। अब जैसे कि रेन के क्वेश्चन होते हैं इसमें, वेलोसिटी ऑफ रेन, तो जैसे कि एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में देखा देखेगा एग्जाम्पल में 4.6 में है, उसी को सॉल्व कर देते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में से तुमको ऐसे रॉन्ग बुक में दिया हुआ, इसी तरह से मिलता जुलता क्वेश्चन, और चेंज इन वेलोसिटी भी निकालते हैं, दोनों को फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो अगर कोई जैसे इसमें क्वेश्चन इस ढंग से भी रहता है, इस तरह के क्वेश्चन जो वेक्टर एडिशन करने के लिए कि फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी, कोई आदमी जा रहा है, कोई गाड़ी जा रहा है ईस्ट में, अब जाने लगा नॉर्थ में विद मतलब बिना कोई वेलोसिटी जो भी हो, तो उसका क्या होगा, तो उसमें भी तुमको ट्रायंगल लॉ के आधार पर ही एडिशन जो अभी किए होंगे उसके आधार पर क्वेश्चन बनाओगे, ऑब्जेक्टिव वगैरह भी ऐसे रॉ में क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो अब देख लेते हैं एक एनसीईआरटी का एग्जांपल है 4.6, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 4.6, तो एक उसमें दिया हुआ है रेन जो है तुमको, रेन का जो क्वेश्चन है, रेन के क्वेश्चंस के बारे में देख लो, रेन तुमको वर्टिकली जो है तुमको डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा है, और एक लेडी साइकिल से 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है अगर ईस्ट की तरफ, जैसा जहाँ तक मुझे याद आता है, हो सकता है ये वेस्ट की तरफ भी हो, तो खैर क्वेश्चन देख लोगे उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन को अपना ठीक कर लोगे, तो जहाँ तक की है तुमको एक रेन तुमको जो फॉल हो रहा है 20 वेलोसिटी ऑफ ये रेन हो गया 23 किलोमीटर पर आवर, डाटा अपना मैच कर लोगे बुक से, और वोमेन जा रही है 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ये वेलोसिटी ऑफ वुमेन हो गया टुवार्ड्स ईस्ट है, ये वेलोसिटी ऑफ वुमेन, ये वेलोसिटी ऑफ रेन, तो इसको क्वेश्चन है कि इसको रेन किधर अपीयर होगा, उधर ही छाता लगाना होगा, छाता इधर इसको किधर लगाना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन है, तो ये तुम कहोगे वेलोसिटी ऑफ रेन तो ऊपर से गिरता, आप नीचे क्यों दिखा रहे, तो ये फ्री वेक्टर है, आप जहां यहां आपको सुविधा यहां दिखा दीजिए या ऊपर भी दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल आप खींचिए,
तो उसको कोई हर नहीं है। तो ये समझ में आ गया क्या मैंने कहा कि तुम कहो कि बरसात ऊपर से गिरता है तो आप नीचे से क्यों दे रहे हैं, तो ये फ्री वेक्टर है, आप ऊपर से भी दिखा दीजिए, कोई एक ही बात रिप्रेजेंट होता है वेक्टर में, कोई दिक्कत नहीं है। और तो वैसे रेन हो गया ये, या तो आदमी को यहाँ ले लीजिए आप, ये पैरेलल में ओमेन को यहाँ दिखा दीजिए तो आपको लगेगा वेलोसिटी ऊपर से आ रहा है। तो ये जैसा भी चाहे, तो या वेलोसिटी ऑफ, मैंने कहा कि इसको पैरेलल में कोई भी दिखा सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि वेलोसिटी ऑफ रेन ओमेन को किधर दिखाई पड़ेगा, इसका मतलब वो क्वेश्चन पूछना चाहता है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ओमेन क्या है, किधर छाता लगा, जिधर ओमेन को एपियर होगा वेलोसिटी गिरता हुआ, रेन एक्चुअली में तो नीचे गिर रहा है लेकिन ओमेन के चलने के कारण उसको एपियरेंस अलग तरफ होगा, और जिधर एपियरेंस होगा उधर छाता लगाना होगा उसको। तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ ओमेन ये कहा जा रहा है, और दैट्स इक्वल्स टू हम लोग जब लिखते हैं तो वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ माइनस ओमेन, इसको ऐड करेंगे ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ व्हाट एवर जैसा डायग्राम बनाएंगे उस लॉ से ऐड हो जाएगा। रेन में वेलोसिटी ऑफ ओमेन के माइनस वेलोसिटी ऑफ को ऐड करना है, तो दिस इसका मतलब हो गया कि इसको इधर करना पड़ेगा। तो ये देखो दिस इज इक्विवेलेंट टू, तो ये तो वेलोसिटी ऑफ रेन मैंने नीचे ही ड्रॉ किया तो अभी भी नीचे कर देते हैं, और माइनस वेलोसिटी ऑफ ओमेन इधर की तरफ कर दीजिए इसको ड्रॉ, तो ये हो गया तुम्हारा 12 किलोमीटर। तो ये तुम्हारा हो गया, ये पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे तो ये माइनस वेलोसिटी ऑफ ओमेन हो गया, तो ये तुम्हारा हो गया 12 किलोमीटर पर आवर, यह है 23 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो तुम्हारा हो गया एक इधर जा रहा है एक इधर, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से इसको ऐड कर सकते हैं। जिसको पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ एडिशन समझने में दिक्कत है वो जो है तुमको एरिस्टोटल का जो वीडियो है 2.1 ऐप पर जो मेरा वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है जिसमें 2.2, 2.3 इन सबों में पैरेललोग्राम लॉ या एडिशन और तुमको वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन इन सबों को बताया गया डायरेक्शन के साथ, तुम उसे समझ सकते हो। तो पैरेललोग्राम लॉ में क्या है तुम्हारा, इसका पैरेलोग्राम बना देते, इसका जो रिजल्टेंट हो गया ये रेन को, रेन का वेलोसिटी प्लस माइनस होने पैरेलोग्राम लॉ से हो गया ही, तो इसको जब ऐड कर दीजिए तो ये तुम्हारा डायरेक्शन इधर की तरफ छाता लगाने का ये डायरेक्शन बता रहा है। तो ये डायरेक्शन का मतलब किधर की तरफ झुक रहा है, देखो ये जो छाता है तुमको इसको लगाना पड़ेगा, ये लगता है तुमको अगर ये देखें तो ये लगता है कि किधर की तरफ, वेस्ट की तरफ जाता हो, वर्टिकल से किधर की तरफ लग रहा है छाता, वर्टिकल से वेस्ट की तरफ झुकता हुआ, ये वर्टिकल से वेस्ट, इधर ये एंगल अगर बताएंगे ये एंगल और ये एंगल तो एक ही है, यहाँ पर अल्फा अगर दे दें तो 10 अल्फा बराबर क्या हो गया, 10 अल्फा इक्वल्स टू ये है तुमको 12 और ये है 23, 12 किलोमीटर पर आवर बाय 23 किलोमीटर पर आवर, अल्फा बराबर 10 इनवर्स 12 बाय 23, तो लगभग मतलब हाफ के अबाउट हुआ, तो ये कम ही एंगल होगा और ये लगभग हो सकता है 22-23 डिग्री लगभग वर्टिकल से किधर की ओर, खैर एंगल जो भी हो ये तो मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा। तो ये अल्फा को क्या कहेंगे, ये किधर से बनाया गया, ये वर्टिकल से बनाया गया एंगल है और टुवार्ड्स किधर, वेस्ट, तो ये इधर जा रही है ईस्ट की तरफ, तो इसको छाता को मतलब कि अपने विपरीत में लगाता हुआ लगेगा, मतलब कि वेस्ट के साइड, मतलब इसको अपने किधर रखना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर ऐसे कोई आदमी जा रहा है तो कभी फ्रंट साइड ऐसे ईस्ट जा रहा है इधर, तो वेस्ट की तरफ मतलब उल्टा रखना पड़ेगा, कभी भी उसका आगे का पोर्शन भी साइकिल वगैरह में जब चलाते हुए देखते होगे तो आगे तुम भींगोगे, तुम्हें कभी भी अगर वर्टिकल हवा नहीं है तो वर्षा के बंद कभी भी आपको तिरछा आगे से स्ट्राइक करेगा, आगे से भींगाएगा, जैसा कि डायग्राम यहाँ दिख रहा है। तो इसको छाता से बचना है तो आगे करो, इसलिए छाता लगाने में दिक्कत हो जाती है, जब साइकिल आप चलाएंगे तो छाता आगे से कैसे कोई लगाएगा, तो फिर दिखेगा ही नहीं, इसलिए छाता लगाने में दिक्कत है, जैसे रेनकोट पहनना पड़ता है, साइकिल वगैरह चलाना हो बाइक चलाना हो तो आप छाता नहीं यूज कर पाइएगा, बिकॉज कि छाता पीछे से नहीं लगाना पड़ता, वर्टिकल अगर गिर रहा है अगर हवा नहीं है तो ऊपर से आएगा तो ये सामने से आता हुआ दिखाई पड़ता है कभी भी, और अगर तिरछा है तो फिर आपको हो सकता है पीछे से आए, वैसे अगर हवा है पहले से तो ये तुम्हारा फ्रॉम क्या हो गया, तो इसलिए फ्रॉम वर्टिकल टुवार्ड्स वेस्ट, तो ये तुम्हारा ये सब रेन का भी क्वेश्चन देख लिया होगा, इसको और भी कुछ इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना हो राइटर ऐप पर आकर के इसको बना सकते हैं। अब हम लोग कुछ देखते हैं स्विमर टाइप का कुछ प्रॉब्लम होता है उसके लिए कुछ देखते हैं, उसका थ्योरीज वगैरह देख लेते हैं, इसको कैसे स्विमर कैसे जब तैरता है, जैसे कि वेलोसिटी ऑफ जब एयर में जैसे सबकी है या एयर जा रहा हो एरोप्लेन जा रहा हो एयर में, तो या स्विमर तैर रहा हो कहाँ में तुमको रिवर में, जब रिवर का स्पीड हो कुछ
रिवर कुछ फ्लो कर रहा हो स्पीड से, उस तरह क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाते हैं, एक इसको देख लेते हैं। और एक देखोगे तो एस वर्मा के बुक में एक लास्ट जो एग्जांपल में भी दिया और एक्सरसाइज में भी लास्ट में क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो तुमको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, उसको उसकी चर्चा बाद में करेंगे इसके। तो अभी हम लोग बना लेते हैं इसको, मतलब एक थ्योरी देख लेते हैं। क्रॉसिंग रिवर ऐसा कह सकते हैं, क्रॉसिंग रिवर तो स्विमर ही क्रॉस करेगा जाहिर है। इस तरह क्वेश्चन बनाने में क्या है, तो देखिए जब रिवर चलता है तो ये मान लेते हैं रिवर है जो कि फ्लो कर रहा है, यह भी टू डायमेंशन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ध्यान रहे ये जो तुम्हारा फिगर बन रहा है ये दोनों तुमको एक्स वाई डायरेक्शन दो डायरेक्शन में है लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो भी एक्स वाई दो ही टू डायमेंशन है बट वो भी वो वर्टिकल प्लेन में आता है। तो अभी जो रेन जैसे गिर रहा था वो भी वर्टिकल प्लेन से ही आप बात कर रहे थे, वर्टिकल प्लेन में आपका फिगर बन रहा था और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनेगा। और जैसे उसके पहले गाड़ी चल रही थी नॉर्थ में ईस्ट में, तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन का केस था, ये भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में लेकिन दो डायरेक्शन होगा। तो इसको जैसे कि मान लेते कोई स्विमर है, ये तुमको इधर की ओर जाना चाहता है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर हुआ, और नदी भी तुमको है इधर बह रहा है, अगर नदी इधर है तो ये क्या होगा तुमको वेलोसिटी ऑफ, ये नदी का स्पीड अगर ज़्यादा हो तो ये तुमको जो जाएगा अब जो रिजल्टेंट होगा तुम्हें ये हुआ वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, और ये हुआ वेलोसिटी ऑफ वाटर कह सकते हैं, ये वाटर का स्पीड। और तो रिजल्टेंट जो तुम्हारा बनेगा ये जो तुम्हारा ये ट्रायंगल लॉस इसको ऐड कर देंगे तो इन दोनों वेक्टर का एडिशन कौन सा हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ गया तो ये तुमको ये रिजल्टेंट हो जाएगा इसका, ये वेलोसिटी ऑफ एक्चुअल डायरेक्शन जो कि अर्थ पर खड़ा कोई ऑब्जर्वर स्विमर को देख सकता है तो वो लगेगा इधर जा रहा है। मतलब ये हुआ कि अगर ज़्यादा ये तेज है, इसका मैग्नीट्यूड को अगर यू मान लो, ये यू है इसका मैग्नीट्यूड का, जो ठीक है उसको बाद में दे देंगे, अगर वेलोसिटी ऑफ वाटर जो तुम्हारा है उसका मैग्नीट्यूड यू हो और स्विमर जो तैरना शुरू किया जिस स्पीड से उसको हम लोग वी मान लेते हैं, और ये एंगल मान लेते हैं स्विमर कितना एंगल बना रहा है इसको, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए तैर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए। तो ये जो तुम्हारा स्विमर है अपना जो तुमको तैरना इधर चाहेगा लेकिन एयर के जो वाटर के स्पीड के कारण वो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में यहाँ कहीं पर पहुँचेगा, ये दूसरे जो बैंक पर, ये फर्स्ट बैंक से चला और दूसरे बैंक पर रिवर के दूसरा बैंक पर यहाँ जाके ये लैंड करेगा या वहाँ पहुँचेगा ये। तो ये जो तुम्हारा है अब इसमें चाहिए, कोई ये कह सकता है कि हम अगर चाहें कि एकदम सामने सामने पहुँच जाएँ, ऐसा तो क्या ऐसा हो सकता है, तो ऐसा हो भी सकता है, अगर आपके तैरने का स्पीड भी अगर यू से ज़्यादा है तो आप डायरेक्टली भी अपोजिट भी बैंक पर डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि इसको कहें, इसको अगर हम लोग वाई डायरेक्शन मान लें, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं वाई डायरेक्शन और इसको क्या मान लेते हैं हम लोग एक्स डायरेक्शन और इसको ओरिजिन, तो ये वाई डायरेक्शन और ये एक्स डायरेक्शन और इसको ओरिजिन, तो इसको ओरिजिन, तो ये y डायरेक्शन हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ये हो गया तुम्हारा, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर दैट्स इक्वल टू व्हाट, तो इसको निकाल लेते हैं वेलोसिटी ऑफ, यहाँ पर देखो इसको पहले लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर, ये लिख सकते हैं वेक्टर के रूप में, वी एस माइनस वी डब्ल्यू भी लिखते हैं। और इसका दो कंपोनेंट ले सकते हैं आप, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, तो इसको देखो ले लेते हैं भी वेलोसिटी ऑफ स्विमर का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू इन एक्स डायरेक्शन, इसका एक्स कंपोनेंट लेते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है तुम्हारा, इसका मैग्नीट्यूड तुमने लिया है भी और ये एंगल कितना बना रहा है एक्स एक्सिस से थीटा, तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा, जिधर से कॉस से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये तो हॉरिजॉन्टल यू कॉस जीरो, यू कॉस जीरो दैट इज यू, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू भी कॉस थीटा और प्लस यू, और दूसरा वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन वाई डायरेक्शन निकाल लीजिए, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन, ये अगर इफ अगर ये चाहता है कि हम डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचे तो एक्स की तरफ जो जा रहा है ये इट शुड बी इफ ए पर्सन वांट्स टू रीच अपोजिट बैंक अपोजिट पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट
तो क्या हो जाए, वेलोसिटी ऑफ स्विमर भी एक्स डायरेक्शन में नहीं जाना है, अपोजिट पॉइंट तो वाई डायरेक्शन में है, तो इसको जीरो करना होगा। तो भी कॉस थीटा प्लस यू इज इक्वल टू जीरो, तो किस एंगल से उसको तैरना चाहिए, तो कॉस थीटा बराबर माइनस यू बाय भी। तो ये तो संभव तभी हो पाएगा आपका इफ इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू ग्रेटर देन भी ग्रेटर देन यू, नहीं तो कॉस का कोई एंगल ही नहीं मिलेगा। पॉसिबल ओनली व्हेन भी ग्रेटर देन यू, भी ग्रेटर देन यू है तभी ये पॉसिबल है, डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर वो पहुंच सकता है। और अगर टाइम कितना लगेगा वो जाने में, तो टाइम कितना लगेगा तो उसके लिए तो वाई डायरेक्शन में जाना होगा, तो वाई डायरेक्शन का स्पीड निकालिए, वही क्रॉस करने में कितना समय लगेगा उसी को डिसाइड करिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो आपको कवर करना है रिवर, तो वो तो आपको वाई डायरेक्शन कवर करना है। तो वाई डायरेक्शन में अगर डी डिस्टेंस कवर करते हैं, अगर विड्थ ऑफ रिवर अगर डी है, इफ विड्थ ऑफ रिवर इज डी, तो कितना टाइम में कैलकुलेट हो जाएगा उसका। देखो तो इसको पहले वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी निकालिए तभी तो निकलेगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा, दैट इज वी कॉस, कितना एंगल बना रहा है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर इन वाई डायरेक्शन प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर इन वाई डायरेक्शन, दैट्स इक्वल टू वी कॉस थीटा माइनस 90 डिग्री प्लस यू कॉस 90 डिग्री, दैट्स इक्वल वी कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस जीरो, दैट इज इक्वल टू भी साइन थीटा। तो ये तुमको भी साइन थीटा हो गया, इतना स्पीड से वो क्या होगा जाएगा भी साइन थीटा से वाई डायरेक्शन में। तो कितना इफ विड्थ ऑफ रिवर इज, इफ विड्थ ऑफ रिवर इज डी, डी टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इक्वल्स टू क्या होगा, तुमको टाइम जो तुमको क्रॉस में लगेगा वो डी, तो वाई डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट डी है चलने का, डी बाई वी, और ये तुम्हारा यू वगैरह का, यू का कोई इफेक्ट नहीं है क्रॉसिंग में, ये सिर्फ इधर कहाँ पहुंचेगा उस पर डिसाइड करता है ये, तो डी बाई वी साइन, इतना टाइम वो रिवर को क्रॉस कर जाएगा, तो इतना टाइम लगेगा आपको। क्विकेस्ट पाथ अगर आपको सबसे कम समय में जाना है तो क्या कर सकते हैं, इसको कम से कम कीजिए, क्विकेस्ट पाथ टी मिनिमम, टी मिनिमम क्या हो सकता है, फॉर टी मिनिमम तो क्या होना चाहिए, डी को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, जो आदमी के तैरने का स्पीड है अगर वो कंटिन्यू लास्ट है तो आप थीटा को अरेंज कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, साइन थीटा को हम जितना बढ़ाते जाएंगे वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू बढ़ते जाएगा तो हमारा टाइम घटता जाएगा, तो थीटा इक्वल टू क्या जाएगा फोर, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री जस्ट, मतलब कि एकदम पर्पेंडिकुलर डायरेक्शन में तैरना शुरू करना पड़ेगा, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री एकदम वाई डायरेक्शन में जाइए, चाहे ये एक्स आपको यहाँ पर, ये इसका मतलब ये डायरेक्टली यहाँ नहीं पहुँचेगा इस पाथ में, ये तुमको ये इधर तैरने का कोशिश करेगा, ये इधर ले जाएगा और ये यहाँ पहुँचेगा, लेकिन टाइम जो उसको होगा वो सबसे कम लगेगा, तो टी मिनिमम कितना हो गया डी बाय वी हो जाएगा, इससे कम समय नहीं लगेगा आपको कभी भी जाने में, ये क्विकेस्ट पाथ हुआ। तो ये और शॉर्टेस्ट हो सकता है, जबकि कब शॉर्टेस्ट के लिए जब भी होगा तो शॉर्टेस्ट के लिए आपको इतना एंगल पे तैरना पड़ेगा, ये शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है ये इन केस, जबकि क्या हो तुम्हारा ये शॉर्टेस्ट पाथ हुआ, जबकि क्या हो तुम्हारा शॉर्टेस्ट पाथ हुआ इफ भी ग्रेटर देन यू, ये तुम्हारा भी ग्रेटर देन यू हुआ तब तुम्हारा है ये शॉर्टेस्ट पाथ भी हुआ, ये शॉर्टेस्ट पाथ इफ भी ग्रेटर देन यू का केस में, जीरो हो जाएगा एक्स, तो उसे आपको वाई को वाई डायरेक्शन में डी जाना ये तो तय है, लेकिन एक्स डायरेक्शन में ना ही जाए तो ये हो जाएगा। अब अगर हो सकता है अगर शॉर्टेस्ट पाथ जबकि यू ग्रेटर देन भी हो तो कम से कम कितना चलना पड़े, चलना तो आपको एक्स में पड़ेगा ही, लेकिन कितना उसको मिनिमम कर सकते हैं, तो टाइम जैसे हमको टाइम पता है एक्स डायरेक्शन का, हमको वेलोसिटी पता है, टाइम पता है कितना दूर जाएगा ये पता चल जाएगा हमको इजीली, तो उसको निकाल देते हैं, इसको कुछ मिटा देते हैं, इसको शॉर्टेस्ट पाथ देखते हैं एक्सप्रेशन के आधार पर, फिर उसको शॉर्ट करने के लिए क्या करना होगा, थीटा को मैनेज करने के लिए कौन सा मैथमेटिक्स लगेगा उसको अलग से जजमेंट करना होगा, तो इसको भी डिलीट कर देते हैं। हाँ तो बात कर रहे थे कि हमको अब जो है शॉर्टेस्ट पाथ इफ यू ग्रेटर देन भी, तो डायरेक्टली अब तो डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे बैंक पे दूसरे बैंक पे वो नहीं पहुंच सकता है आदमी, तो वो कोशिश कर सकता है कि एकदम जस्ट मतलब क्या करते हैं मिनिमम करें एक्स को, ज्यादा तो वहां नहीं पहुंच सकता है,
तो शॉर्टेस्ट पाथ इफ यू ग्रेटर देन वी, अगर यू बड़ा है वी से तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? तो देखो शॉर्टेस्ट पाथ कितना जाएगा, तो एक्स डायरेक्शन में कितना दूर जाता है उसी को मैनेज करना होगा। तो वेलोसिटी ऑफ सीमर का स्पीड एक्स डायरेक्शन में इनटू टाइम, जितना टाइम वो क्रॉस करता है, टाइम टू क्रॉस, ये टी हो गया टाइम टू क्रॉस रिवर, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो स्पीड था वी कॉस थीटा प्लस यू, और टाइम लगा इसको डी बाय वी साइन थीटा। तो ये जो तुम्हारा है तो इसमें जो थीटा है ये तो दो जगह पे चला गया, तो इसको मिनिमम करना तो ये अंदाज से, तब कॉस को मिनिमम करेंगे तो साइन को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, तो इसको करें कैसे? अब तो ये एक समस्या हो गया, तो इसको कैसे, कौन सा मैथमेटिक्स कैसे लगेगा ये? अब तो तुम्हारा है वी कॉट थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या हो गया कॉट थीटा प्लस यू कॉसेक थीटा, ऐसा हो गया तुम्हें, और इंटू डी बाय वी, तो ये तो तुम्हारा हो गया। अब कॉसेक थीटा कॉट थीटा है तो ये तो कैसे, उसको तो एक मैथमेटिक्स में तो अरेंज करना भी मुश्किल है, कॉस साइन रहता तो कुछ और भी सिंपल मैथ हो सकता था। तो इसके लिए मिनिमम करने के लिए अब तुम्हारे पास जो है तुमको डिफ्रेंशिएशन का यूज करना पड़ेगा, जिससे कि मिनिमम करने के लिए क्या होता है कि इसको डिफ्रेंशिएट, जैसे थीटा को एंगल के आधार पर इसको करना है तो मिनिमम मैक्सिमम के लिए क्या कीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए और उसको जीरो के बराबर कर दीजिए, वहां पर आपको आ जाएगा इसका वैल्यू। तो माइनस भी कॉसेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन याद होगा, कॉसेक थीटा इंटू मैंने कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये होगा तुमको माइनस यू कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू डी वाई भी, तो कॉसेक थीटा तो डी एक्स बाय डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हें, डी बाय भी कॉसेक थीटा, ये हो गया डी बाय भी कॉसेक थीटा, ये तो बाहर हो गया, और यहाँ पर माइनस भी कॉमन ले सकते हो, माइनस भी, यहाँ भी क्या हो जाएगा तुम्हें कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो भी और कॉसेक थीटा कॉट थीटा हो गया, ये भी कॉट थीटा प्लस यू यू कॉट थीटा, यू कॉट थीटा, तो ये तुम्हारा हो गया, दोनों में माइनस था इसलिए प्लस हो गया, तो इसको जीरो करो फॉर मिनिमम, फॉर मिनिमम डी एक्स बाय डी थीटा इक्वल्स टू जीरो, तो भी कॉसेक थीटा, भी कॉसेक थीटा प्लस यू कॉट थीटा बराबर जीरो, तो भी कॉसेक थीटा बराबर माइनस यू कॉट थीटा, भी बाय साइन थीटा बराबर माइनस यू कॉस थीटा बाय साइन थीटा, तो साइन थीटा तो खैर यहाँ पर, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हें, कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस भी बाय यू, इस एंगल से तो तैरेगा, उसमें भी यू बाय भी था तो इसमें भी बाय यू था, यू ग्रेटर देन वी है, यू ग्रेटर देन वी, तो कॉस थीटा इक्वल टू माइनस वी बाई यू, इस एंगल से तैरने पर क्या हो जाएगा तुम्हें, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जाएगा, और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा तो उसमें पुट कर सकते हैं आप, कॉस थीटा का वैल्यू निकल गया तो साइन का वैल्यू निकाल के उसमें पुट किया जा सकता है, तो इस एंगल से तैरने पर ये पाथ क्या होगा, सबसे शॉर्टेस्ट होगा, और कॉस थीटा निकल गया तुमको तो ये तुमको यहाँ पर भी कॉस थीटा प्लस यू भी निकल जाएगा इन टू साइन थीटा भी निकल जाएगा, तो एक्स मिनिमम कितना होगा, एक्स मिनिमम बराबर होगा भी कॉस थीटा प्लस यू इंटू डी बाई भी साइन थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू रख देते हैं, कॉस थीटा का वैल्यू हो गया है भी इंटू मतलब भी इंटू माइनस भी बाई यू प्लस यू इंटू डी बाई भी अंडर रूट वन माइनस भी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, भी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर, तो भी, तो भी कॉस थीटा कितना हो गया तुम्हें, तो भी हो गया तुम्हें माइनस भी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, तो ये हो गया तुम्हारा यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर, तो ये हो गया तुम्हारा अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर,
अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इंटू डी बाई वी हो गया। ये तुम्हारा जब यहाँ पर कह सकते हैं तो ये तुम्हारा हो गया, तो वी स्क्वायर माइनस तुम्हारा क्या हो गया, तुमको माइनस ये हो गया तुमको वी स्क्वायर और प्लस यू स्क्वायर, तो बाई यू होगा और यहाँ पर यू है यहाँ पर भी है वहाँ पर, तो अंडर रूट क्या तुमको करते हैं और यहाँ पर भी आ रहा है तुमको अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर आ रहा है। तो इसमें तुमको वैल्यू इसको कैलकुलेट कर सकते हो गया अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, एक कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर से, ये तुम्हारा ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी तुम्हें कितना है, यहाँ पर यू है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर यू है, तो यू ऊपर चला गया, यू बाय भी हो गया यहाँ पर, ये क्या होगा तुम्हें यू बाय डी बाय भी था यहाँ पर ना, भी तो है ही, भी है और यहाँ का यू चला गया तो यू बाय भी आ जाएगा बाहर, हाँ यू बाय भी, और यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर यू स्क्वायर क्या कैलकुलेशन दिक्कत हो रहा है देख लेते हैं, तो डी ये तो तुम्हारा यू हो ही गया अंडर रूट वी स्क्वायर इंटू क्या होगा तुम्हारा, ये तो डी रह ही जाएगा इंटू डी और एक चला जाएगा तुमको भी, तो तुम्हारा ये जो है ये भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है और एक यू स्क्वायर है, एक भी यहाँ रहेगा और एक यू रहेगा तुम्हारा, एक यू यहाँ से कट जाएगा ऐसा होगा भी इंटू यू, तो यही हो जाएगा तुम्हारा डी बाय अंडर रूट, एक मिनट अभी तुम्हारा ये भी है यहाँ पर, कैसे गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर एक यू निकलेगा यहाँ पर दो यू आएगा है ना, यहाँ पर यू इस यू है, एक ही यू तो है, हम यू तो यू कैंसिल ही हो गया, तो कहाँ कुछ दिक्कत है, यू यू कैंसिल ही हो गया, तो भी बच गया इसका, चल लाइन कट गया था, इसको क्या होगा तुम्हें दैट इज इक्वल टू डी बाय भी बच गया, यहाँ पर यू तुम्हारा कैंसिल ही हो गया, यहाँ यू है यहाँ यू, इस दोनों यू कैंसिल हो गया, चलो वही कन्फ्यूजन हो रहा था, तो चलो यही तुम्हारा हो गया एक्स मिनिमम हो गया। अब है तुम्हारा इसके बाद तो तुम्हारा है एक इस पर, तो एस टी ग्राम बुक में देखोगे 46, 47 ये सब क्वेश्चन बन जाएंगे, एक एरोप्लेन का तुमको दिया हुआ है जिसमें तुमको जो प्रॉपर्टी है ट्रेंगल में एक जो चीज़ लगाना पड़ता है साइन फार्मूला, उसकी जरूरत पड़ती है, तो वो मैं फार्मूला लिख देता हूँ, तुम बनाओगे उसको, अगर दिक्कत होगा तुम संपर्क करोगे ऐप के माध्यम से हमसे, तो और ये सब क्वेश्चन अब आसानी से बन जाएंगे तुमको, जैसे भी और डायग्राम बना के वेक्टर जैसे इतना बड़ा नहीं भी करना पड़ता है, उसमें क्या है कि अगर वेक्टर एडिशन से आप आसानी से बना लिए, मिनिमम मैक्सिमम नहीं करा तो वहाँ भी आसानी से बन सकता है कुछ, मैंने वेक्टर एडिशन आप लगाइए जो सिंपल मैथमेटिक्स जो सिंपल जो कि शुरुआत का जो थ्योरी था आप उसी के आधार पर आगे बढ़ जाइए, तो कोई जरूरी नहीं इतना रिग्रेस मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी आपको, तो जिस क्वेश्चन में जैसे कि कुछ इरोडो वगैरह के जो क्वेश्चंस हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा के होते हैं तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, तो आप सामान्यतः वेक्टर एडिशन से भी कर जाएंगे तो ये सबसे बच भी सकते हैं, ये सब कैलकुलेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में चूंकि अब तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही ज़्यादा रहते हैं तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, तो बेसिक समझ में आ गया होगा। एक जो तुम्हारा है जिसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहते हैं, इस तरह के केस को जैसे कह सकते हैं कि जैसे एक बिल्ली जो है चूहा का पीछा कर रहा है, तो क्या करता है बिल्ली जब चूहा अपना डायरेक्शन देखो, चूहा जैसे यहां है बिल्ली यहां है, जैसे बिल्ली अगर चूहा इधर दौड़ा तो बिल्ली तुरंत अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, फिर ये इधर चूहा भागने लगा तो बिल्ली फिर अपना डायरेक्शन को इधर चेंज कर लेगा, इस तरह से क्या करते रहता है कि एकदम बिल्कुल टुवार्ड्स दैट उसको टारगेट होता है, तो इस तरह के चीज में वेलोसिटी कैसे निकलता है, जैसे इसको कुछ क्वेश्चन से भी आप देख सकते हैं, जैसे तुम्हारा जो कि एस सी वर्मा का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सॉल्व एग्जांपल का लास्ट क्वेश्चन, एस सी वर्मा सॉल्व एग्जांपल का लास्ट क्वेश्चन देखें एक्सरसाइज में भी तुम्हें दिया हुआ है, तो कोई जैसे कि ये तुमको क्या इस तरह के क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं, अगर मान लेते हैं ये जा रहा है ये इसको टारगेट किए हुए है इधर यू स्पीड से, और ये जो तुम्हारा दूसरा आदमी है तुम्हारा ए बी के बीच का बात कर रहे हैं, ये इसको हमेशा टारगेट करता है ये, और ये तुम्हारा यू स्पीड से ये कुछ इधर जा रहा है
यू स्पीड से ही ये भी है अगर, और ये थीटा एंगल बनाते हुए है हमेशा ऑलवेज, इसका ये इसको पॉइंट आउट करता है। तो होगा क्या, ये ऑलवेज इसको पॉइंट आउट, तो ये और इसके बीच का इनिशियल डिस्टेंस डी है अगर, तो यहां पे ये हुआ ए पार्टिकल ए एमिंग बी विथ स्पीड u एंड b मूव्स एट एन एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा विथ ए बी लाइन ऑलवेज, मतलब वो ऑलवेज जब ये क्या करेगा, जैसे कि ये इसको एम कर रहा था, ये यहां भागा तो अब इसको एम करेगा, तो थीटा एंगल ही बनाते हुए हमेशा मूव कर रहा। अगर ऐसा है और इफ इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज डी, इफ इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज डी और टाइम टू देन, टाइम देन मतलब रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गया, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगा इसका, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हुआ, यहाँ देखो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हुआ इसका, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एक दूसरे के पहुँचने का स्पीड, एक तो भी इस लाइन के लॉन्ग है और प्लस भी कॉस थीटा जो कि फिगर में दिख रहा होगा, सर यू था ये, यू प्लस यू कॉस थीटा, तुम्हारा जो स्पीड दिया गया है वो यू लिया गया है, तो ये हो गया यू प्लस यू कॉस थीटा, ये तुम्हारा हो गया। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम इजिकल टू कितना हो गया, टाइम टू रीच इजिकल टू डिस्टेंस तो हो गया डी, डी बाय यू प्लस यू कॉस थीटा, ये टाइम ऑफ अप्रोच हो गया, इतना टाइम में क्या हो जाएगा ये मीट कर जाता है, तो ये टाइम निकल गया और वो अप्रोच का स्पीड निकल गया, अप्रोच का ये तुम्हारा टाइमिंग हो गया। तो इस तरह से क्या कर सकते, जैसे कि तुम्हारा जो क्वेश्चन है, जैसे कि लास्ट एग्जांपल ऑफ एस सीमा चैप्टर थ्री देखते हैं, एच सी वर्मा लास्ट एग्जाम्पल चैप्टर थ्री लास्ट में देखिए, इसमें क्या है, ये जो क्वेश्चन है तुम्हें कि एक आदमी, ये तीन पर्सन हैं जो कि राइट एंगल ट्रायंगल पे सिचुएटेड हैं, यहाँ ए है, यहाँ पर मान लेते हैं बी है, यहाँ पर सी है, चलिए, और ये साइड है इनिशियली ए, तो ए मूव्स टुवार्ड्स बी, ए जो है बी की ओर जाता है, बी सी की ओर जाता है, सी ए की ओर टारगेट करता है ऑलवेज, ए और स्पीड आप भी मान सकते हैं, इधर स्पीड भी है, ए टुवार्ड्स बी, ए बी, बी टुवार्ड्स सी, सी टुवार्ड्स ए, तो ये तुमको एमिंग कर रहा था। अब इसका मोशन कैसा होगा, देखो ए बी की ओर जाना शुरू करेगा और बी जाना शुरू करेगा सी की ओर, तो बी अब इधर जाएगा तो यहां आ जाएगा, तो फिर ए ऐसे मुड़ जाएगा, तो फिर ए जब मुड़ जाएगा तो सी ऐसे मुड़ जाएगा इधर की ओर, इसको फोकस करेगा तो फिर बी को अपना टारगेट बदलना पड़ेगा। इस तरह से एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप से होता हुआ ये कहां पर जाकर मीट करेगा, सेंटर पर जाकर मीट करेगा। तो अब बात रही यहां पर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का, हम लोग निकालते हैं जो एक मेथड अभी बताए, तो हम लोग उसके आधार पर क्या कहें, ये तो एंगल तो हमेशा मेंटेन है इसका 60 डिग्री ही है और ये तो हमेशा इसकी ओर जा ही रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो गया, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तुम्हारा अगर लगाए इसमें, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वी प्लस वी कॉस 60, दैट्स इक्वल टू वी प्लस वी बाय 2, तो 3 वी बाय 2, तो टाइम टू मीट इज इक्वल टू ए बाय 3 वी बाय 2, दैट इज 2 ए बाय 3 वी, ये क्या होगा तुम्हारा, इतना टाइम में ये पहुंच जाएगा। तो ये तुम्हारा निकल गया कौन सी का वैल्यू, ये निकल गया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बाद, ये तुम्हारा निकल गया टाइम टू रीच ईच अदर। और अगर इसको जो सेकेंड मेथड में तुम बनाना चाहोगे इसको, तो एक बात ये जो तुम्हारा होगा कि ये इसको कितना डिस्टेंस ए को कवर करना होगा, किसी एक पर्सन को, जब जाहिर है सभी तो यहां ही मिलेंगे, तो ये जो तुम्हारा डिस्टेंस होगा इसको निकाल लो, और ए जो तुम्हारा चलता है, ए तो चलता है तुमको कोई भी किसी एक को टारगेट कर सकते हो आप, ए पॉइंट को, जैसे सेंटर पे मिलेगा, तो जिसका जो सेंटर का डिस्टेंस होगा ए को कितना चलना है, जैसे कि यहां से यहां तक आना पड़ेगा फाइनली लास्ट
ए को, और लास्टली ए तो चलता है कितना, ए तो चलता है बी की तरफ, तो जाहिर है इधर की तरफ ये जो तुम्हारा है ए ओ के लॉन्ग, ए ओ का लेंथ कितना होगा पहले ये जानना होगा, और ए ओ की तरफ इसका स्पीड कितना है ये जान लेंगे, दोनों को भाग दे देंगे तो वो भी निकल जाएगा। ए ओ का लेंथ निकालना है, लेंथ ऑफ ओ ए ए ओ कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा जब पूरा ट्रेंगल हम लोग बनाएंगे तो ये तुमको, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो ये तुम्हारा ए यहाँ पर से आ जाएगा तुम्हारा, ये जो लेंथ है ये निकल सकता है, ए ओ निकालना है अगर, तो यहाँ से इस पर पर्टिकुलर ड्रॉप कर दीजिए तो ये कितना होगा तुम्हारा, ये ए बाई टू हो जाएगा, ये वाला एक लिटल ट्रेंगल है तो ये ए बाई टू हो गया, तो ए का डी ले लीजिए तो ए डी कितना होगा तुम्हारा, ए डी हो गया, ये सेकेंड मेथड है तुम्हारा, सेकेंड मेथड वो क्वेश्चन तो वहाँ पर बन चुका है, ए डी इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर, रूट थ्री ए बाई टू, क्या निकल गया ये AD का लेंथ निकल गया, तो AO क्या हुआ टू थर्ड होता है, टू बाई थ्री इंटू ए डी, टू बाई थ्री इंटू रूट थ्री ए बाय टू, तो दैट्स इक्वल टू ए बाय रूट थ्री, ए बाय रूट थ्री। अब ए बाय रूट थ्री डिस्टेंस ए को कवर करना है किस डायरेक्शन में, चलता तो ए बी के लॉन्ग है, तो वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए टुवार्ड्स ए ओ इक्वल्स टू वी कॉस 30, वी इंटू रूट थ्री बाय टू, तो टाइम टू रीच ओ दैट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए प्लस क्या होगा तुम्हारा, ये तो डिस्टेंस तुम्हारा निकल चुका है रूट थ्री ए, हाँ ए तो ऊपर ही है रूट थ्री टू ए बाय रूट थ्री, टू ए बाय रूट थ्री और इनटू क्या हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा टाइम हो गया, तुमको वेलोसिटी हो गया टू, तो ए का मतलब हो गया तुम्हारा डिस्टेंस हो गया टू, टाइम हो गया ना, ये तुम्हें निकल गया वेलोसिटी निकल गया, ये रूट थ्री ए बाई टू वेलोसिटी निकला, तो टाइम हो गया तुम्हें टाइम टू रीच, एक मिनट वेलोसिटी कितना निकला, वी इंटू रूट थ्री बाई टू, अब है तुमको टाइम कितना लगेगा, तो डिस्टेंस बाय स्पीड कर दीजिए, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना कवर करना है, तो डिस्टेंस ए ओ है तुम्हारा बाय वी का वेलोसिटी, ए का वेलोसिटी ओ के अलोंग, ऐसा कर सकते हैं, तो ए ओ डिस्टेंस जितना निकला है तुम्हें, ए ओ डिस्टेंस निकल गया तुम्हें डी बाय रूट थ्री, ये ए बाय रूट थ्री, तो ये हो गया ए बाय रूट थ्री इन टू टू बाय रूट थ्री भी, तो हो गया टू या टू ए बाय थ्री भी, ये टाइम हो गया सेकंड मेथड से, तो मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस जो ये है इतना, इसको फाइनली यहाँ पहुँचना है, और इधर ये तो हमेशा इधर की ओर चलेगा, तो इसका इधर की तरफ कंपोनेंट कितना होगा 30 डिग्री यूर स्पीड का, तो उसके आधार पर इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो जाहिर है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और रिलेटिव हिस्ट्री का जो भी क्वेश्चन है जो एस सी वर्मा के बुक में भी दिया हुआ है तुम्हारा क्वेश्चन, जिसको तुम सॉल्व कर सकते हो, 46 से स्टार्ट किया है एक्सरसाइज में, एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें कि लास्ट क्वेश्चन मैंने अभी बता भी दिया, और इसमें एक्सरसाइज में भी इस तरह के एक क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको भी बना सकते हो, और जो कि एक तुमको जो कि और जो किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रहा है, किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो तुम फिजिक्स केमिस्ट्री में किसी भी सब्जेक्ट के लिए में परेशानी हो तो राइशुल ऐप के माध्यम से मैं ऐप पर जाकर के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो और हमसे संपर्क भी कर सकते हो, पर्सनल हेल्प भी उसमें की जाएगी। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।